वेलकम टू दी यू पी एस सी आई एस ट्रैक क्लासेस। आज इस सेशन में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस एस सी सी डी एस एफ कैट यू पी एस सी सी ए पी एफ ए सी जैसे एग्जाम्स के लिए। लास्ट ईयर ही 2019 में सी डी एस में एक क्वेश्चन पूछा था इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो सबसे पहला वाटरफॉल जो है वो होगेनकाल वाटरफॉल है, जो कावेरी रिवर पे सिचुएटेड है। उसके बाद है पयाकरा, जो पयाकरा रिवर पे है, और फिर है सबसे नीचे वट्टपरा, जो पझयार रिवर पे सिचुएटेड है। आपको इनकी लोकेशन याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से, तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम अगर केरला पे आएँ तो केरला में सबसे ऊपर है सोचीपरा वाटरफॉल, जो चलियार रिवर पे सिचुएटेड है। उसके बाद है मिनुमुत्रे वाटरफॉल, जो नेयार रिवर पे सिचुएटेड है। उसके बाद है वजाचल, जो चिलकुंडी रिवर पे सिचुएटेड है। अब हम कर्नाटक की बात करते हैं। इसमें सबसे ऊपर है गोकक वाटरफॉल, जो घाटप्रभा रिवर पे सिचुएटेड है। उसके बाद आता है मेघदूत, जो कावेरी रिवर पे है, और फिर है जॉग वाटरफॉल, जो सरस्वती रिवर पे सिचुएटेड है। ये जॉग वाटरफॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट ईयर सी डी एस में पूछा गया था। उसके बाद सबसे नीचे आता है बरकाना वाटरफॉल, जो सीथा रिवर पे सिचुएटेड है। अब हम आते हैं गोवा पे। गोवा में सबसे इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल जो है उसका नाम है दूध सागर, जो मंडोवी रिवर पे है। उसके बाद हम आते हैं झारखंड में। झारखंड में सबसे पहला जो वाटरफॉल है वो राजरप्पा, जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर और भैरवी रिवर से बना हुआ है। उसके बाद आता है हुंडरू, जो सुर्नखा रिवर पे सिचुएटेड है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो सबसे ऊपर है झरौंदा, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क में है। ये याद रखिएगा, क्योंकि यही एक वाटरफॉल है जो एक नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। अब हम आते हैं चित्रकूट, जो इंद्रावती पे है। लास्ट में है जो दुदुमा, जो मुचकुंद रिवर पे सिचुएटेड है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो है वो चूलिया, जो चंबल रिवर पे सिचुएटेड है। चंबल रिवर घड़ियाल के लिए भी बहुत फेमस है, आपको ये याद रखना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वाटरफॉल है वो है सहस्त्र धरा, जो नर्मदा रिवर पे है। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जो प्रीवियसली कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं इंडिया में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो यही हैं, ये टॉप 10 और 20 में आते हैं। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू।